वेलकम टू मसाला चम्मच। मैं आपकी गीतांजलि आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी, हमारा स्वीट कॉर्न सैलेड। आइए सीखते हैं स्वीट कॉर्न सैलेड। ये अमेरिकन स्वीट कॉर्न होता है हमारा, किसी भी सब्जी वाले की शॉप पर मिल जाता है, छोटे छोटे पैकेट्स में मिलता है। तो इसके बनाने के लिए मैंने लिया खीरा, प्याज, हरी मिर्च, पुदीना, अनार और कुछ टमाटर। आप चाहें तो अपनी कोई भी इसमें फेवरेट चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे आप उबले हुए बीन्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने स्वीट कॉर्न ले लिया और इसमें हम ये क्रीम मिलाएंगे। अगर आपके पास ये क्रीम नहीं है तो आप होममेड क्रीम भी मिला सकते हैं। इससे बस ये कि हमारी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी और बहुत क्रीमी क्रीमी हमारा ये सैलेड बनकर तैयार होगा। मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं, जैसे बूरा, नमक, चाट मसाला। तो सबसे पहले हम अच्छे से अपनी क्रीम को अपने स्वीट कॉर्न पर कोट कर लेते हैं। ये बहुत यम लगते हैं और आप ज़रूर इसको बनाइएगा, और बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद होंगे क्योंकि ये बहुत हेल्दी भी है, स्वीट कॉर्न सबको पसंद भी होते हैं। तो मैंने अच्छे से अपनी क्रीम को इस पर कोट कर दिया। अब इसमें हल्के से हम मसाले मिलाएंगे, जैसे थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा स्वीटनेस के लिए बूरा। तो ये इससे हमारा बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा हमारे स्वीट कॉर्न पर। अब देखिए अच्छे से कोट हो गए। अब हम इसमें हमारी कटी हुई चीज़ मिला लेंगे, जैसे खीरा, प्याज। अगर आप प्याज खाना पसंद नहीं करते तो आप स्किप कर सकते हैं। हरी मिर्च, पुदीना पत्ती, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर तो आता ही है और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। और टमाटो। अब इनको अच्छे से एक बार मिला लेंगे, एकदम हमारे स्वीट कॉर्न क्रीम और जो भी हमने सैलेड लिया है, जैसे टमाटर, प्याज, खीरा, सब अच्छे से एक बार कोट हो जाए। देखिए मेरा परफेक्टली क्रीमी क्रीमी टेक्सचर का कोट हो गया है। सिर्फ 2 मिनट में हमारा ये स्नैक बनकर रेडी हो जाता है। अब इसमें हम कुछ मसाले मिलाएंगे, जैसे हमारा चाट मसाला, स्वीटनेस के लिए बूरा, सॉल्ट। अगर आपके पास बूरा नहीं है तो आप पाउडर शुगर भी मिला सकते हैं। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब देखिए मैंने ये छोटे छोटे 2 ग्लास ले लिए हैं, तो इनका नाम जैसे हमने स्वीट कॉर्न शॉर्ट्स रखा है, तो उसी तरीके से आप किसी भी चीज़ में इसको सर्व कर सकते हैं, आप किसी कटोरी में भी या आपके पास ऐसे ग्लास हो उसमें भी। और देखिए अब मैं इसको अनार से गार्निश कर दूंगी। ये तो आपने देखा ही है, बहुत हेल्दी है। मेरा परफेक्ट क्रीमी क्रीमी शॉट बनकर तैयार हो गया। आप इसको जरूर बनाएं। बिल्कुल एकदम हेल्दी, फ्रूट से भरपूर मैंने आपको सैलेड बनाना सिखाया है। आप मुझे बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और भी आपकी कोई रेसिपी की डिमांड हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और धार्मिक को घंटा जरूर बजाएं। धन्यवाद।